आज मैं अपनी फैमिली के लिए लेकर आई हूँ बुढ़ापा रोकने की फ्री में मिलने वाली दवा, जो कि हमारे घर के अंदर मौजूद है। जी हाँ, और इसको खाने के बाद आपको काफी मजा भी आने वाला है। और ये सारी चीजें आप सबके घर के अंदर, आप सबके किचन के अंदर मौजूद है। आप जानते हैं गाइस कि 20 की उम्र के बाद हमारी बॉडी एजिंग करना स्टार्ट कर देती है, और ये उम्र 30 की जब हो जाती है तो हमारी बॉडी बहुत तेजी से एजिंग के प्रोसेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर वक्त रहते हम इन सारी चीजों को थामना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो यकीनन हमको अपनी डाइट के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना होता है। आपने बहुत सारे मुझे कमेंट किए कि निगार कुछ एंटी एजिंग फूड भी हमारे साथ शेयर कर दो, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ कि आपको अपनी डाइट में किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि आपकी स्किन हमेशा यंग दिखे, साइंस ऑफ एजिंग जल्दी से ना आए, और या फिर जो भी झुर्रियां लाइंस आपके चेहरे पे नजर आ रही है वो फेड अप होना स्टार्ट हो जाए। आई होप कि मेरी फैमिली को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। ये प्यारा सा हेल्पफुल सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आज ही मुझसे मिल रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं एंटी एजिंग सुपर फूड। तो पहला एंटी एजिंग रूल है गाइस कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रखना है। क्या आप जानती हैं कि एक डिहाइड्रेटेड स्किन के ऊपर जल्दी से फाइन लाइंस और झुर्रियां आती हैं और बुझी बुझी सी स्किन नजर आती है, साथ ही साथ बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर, आंखों के आसपास महीन झुर्रियां, रिंकल्स दिखना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कैसे रखें, वो भी अंदर से। तो ऊपर से तो हमने टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए फेस पैक लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, बट अंदर से हम अपनी स्किन को हाइड्रेट कैसे रखें, इसके लिए हमारे घर में फ्री में मिलने वाला मौजूद है पानी। जी हाँ गाइस, ये सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का इलाज है, ये फ्री का इलाज है जो कि हम सब के लिए बेहद जरूरी है। हमारी बॉडी के लिए पानी इतना ज्यादा जरूरी है कि आप सोच नहीं सकती हैं। पानी से इतनी सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने चेहरे के ऊपर झुर्रियां दिखती हैं, पिगमेंटेशन दिखती है, ड्राइनेस दिखती है। तो अगर आप 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना शुरू कर देती हो तो ये आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रखता है, साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स को निकाल कर बाहर करता है, शरीर की गंदगी को साफ करता है। ठीक है, तो 8 से 10 ग्लास पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि हर एक घंटे 1 ग्लास पानी पीती हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल पानी पीने की आदत नहीं है गाइज, तो वो इस आदत को छोड़ें और पानी को ज़रूर पिए, ज़रूर शामिल करें अपने ज़िंदगी में, पूरे दिन के रूटीन में। इससे आप देखोगे कि आपकी स्किन ना अंदर से मॉइस्चराइज होने लगी है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो दिखने लगा है, और चेहरे के ऊपर बहुत प्यारा सा ग्लो होने के साथ साथ आपकी स्किन जो है जल्दी से एजिंग नहीं करती है इससे, और महीन झुर्रियां और रिंकल से आपकी स्किन दूर रहती है। क्योंकि पानी से भरी हुई स्किन जब होती है तो उनके ऊपर झुर्रियां आती ही नहीं है, और लॉन्ग टाइम तक आप अपनी स्किन से झुर्रियों को दूर रख सकते हो। ठीक है, तो पहला है कि आपको पानी तकरीबन 8 से 10 ग्लास डेली पीना है। दूसरा सुपर फूड है गाइस, ये विटामिन ई से भरपूर मिलने वाले बादाम। ठीक है, बादाम विटामिन ई का तो खजाना है ही, साथ ही साथ इसके अंदर मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इसके अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। बट आपको बादाम खाने का सही तरीका पता होना चाहिए कि बादाम को हमें किस तरह से लेना चाहिए। महिलाओं के लिए रामबाण इलाज है साइंस ऑफ एजिंग को खत्म करने का। लॉन्ग टाइम तक स्किन के ऊपर झुर्रियां, फाइन लाइंस ना आए, एज स्पॉट ना दिखे, इसके लिए बादाम को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 5 बादाम लेने हैं और इनको ओवरनाइट पानी में सोक करके आपको रख देना है। ठीक है, 5 बादामों को पूरी रात पानी में भिगो कर रखिए गाइस, और सुबह इनके छिलके उतार कर आपको खाना है, यानी नहार मुंह जब आप फ्रेश होकर आ रही हैं, ब्रश कर लिया है, उसके बाद 5 बादामों को अगर आप चबा चबा कर अच्छी तरह से आराम से इत्मीनान से बैठकर खाती हैं तो ये आपकी बॉडी को प्यूरीफाई करता है। जी हाँ, आपके आंतों को क्लीन करता है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है अंदर से साफ होना स्टार्ट हो जाती है, अंदर से हील होती है, और आपके चेहरे पे अगर किसी भी तरह के साइंस ऑफ एजिंग है, एज स्पॉट है, तो वो फेड अप होना शुरू कर देते हैं। तो ये बादाम आपको भिगो कर ही लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कच्चे बादाम आप खाएं, आपको ये बादामों को खाना है 5 बादाम भिगो कर सुबह नहार को। अब यहाँ पे तीसरा एंटी एजिंग
फूड है यहाँ पे हम सब के घर में, जिसको हम सब्जी भी कह सकते हैं, फल भी कह सकते हैं, वो है टोमेटो यानी लाल पका हुआ टमाटर। ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने के साथ साथ हमारी कोशिकाओं को रिजुवेनेट करता है, साथ ही साथ हमारे ब्लड को साफ करता है। ठीक है, अगर जिन लोगों को स्किन के ऊपर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ दिखती है, जिनको बहुत सारे कील मुहासे आते हैं, स्किन ऑयली रहती है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए। साथ ही साथ स्किन को टाइट बनाकर रखता है। यंगर लुकिंग स्किन के लिए टोमेटो बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे दी हम तो टमाटर खाते हैं, सब्जियों में डालते हैं या किसी भी तरह से हम इसका यूज करते हैं, बट मैं आपको बताऊं टमाटर खाने का सही तरीका। अगर आप इसको सैलेड के रूप में खाती हैं तो ठीक है, बट अगर आप इस टमाटर के छोटे छोटे 4-5 पीसेस कर लीजिए और इसके ऊपर हल्का सा काला नमक भुरक दीजिए, हल्की सी काली मिर्च डाल दीजिए और फिर इसको इंजॉय कीजिए गाइस, इसका टेस्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को ना एकदम निखार देता है, अंदर से आपकी स्किन को क्लीन करेगा और ये आपके लिए एंटी एजिंग का रामबाण इलाज है, हमारे घर में मिलने वाला टमाटर। ठीक है, कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है, हम सबके घर में सब्जियों में डालने के लिए आता ही है। एक पका हुआ लाल टमाटर रोज निकालिए और इस तरह से रोज खाइए। चौथी चीज़ मैं जो आपको बताने वाली हूँ गाइस, ये तो मैंने अपनी लाइफ में कब से शामिल करी है मुझे याद नहीं है, बट मैं इसको हमेशा अपनी डाइट में रखती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ खाने के लिए रामबाण एंटी एजिंग, जो हमारे घर में फ्री की चीज़ मौजूद है, वो है अदरक। जी हाँ, अदरक आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ तक कि गाइस, अगर आपके चेहरे पे बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ रही है ना, तो अदरक आपकी उन झुर्रियों को इतनी तेज़ी से फेड अप करता है कि आप यकीन नहीं मानोगी। बट इस अदरक को आप किस तरह से लेंगी, सब्जी में हम लेते हैं, मतलब कोई भी ऐसी रेसिपी हम बनाते हैं अदरक डालते हैं, बट जब भी अगर आप चाय पीने की शौकीन हैं तो आप साल के 12 महीने अदरक को ज़रूर शामिल करें अपने चाय में। वैसे तो चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, बट अगर फिर भी आप सुबह शाम चाय लेती हैं, आप इसे हर सीज़न में ले सकते हैं। ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जल्दी से खांसी जुकाम नहीं आने देता है, जिससे कि आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं और साथ ही साथ एंटी एजिंग का ख़जाना तो इसके अंदर मौजूद है ही है। तो आप क्या करें, अदरक का एक छोटा टुकड़ा भी आप गुनगुने पानी के साथ ले सकती हो किसी भी वक्त। ये आपके शरीर की बाद को ख़त्म करता है और इसके अलावा एंटी एजिंग का काम तो करता ही करता है। तो अदरक को भी अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मैं एक और सुपर फूड जो एंटी एजिंग से भरपूर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, मैं आपको बता रही हूँ। ये महिलाओं के लिए रामबाण काम करता है और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दी में तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकती हो। यहाँ पे मैं आपको फ्लैक्स सीड के कुछ ऐसे चमत्कार बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आप आज से ही इसको अपनी डाइट में शामिल करो। ऐसी हमारे शरीर से घटते हुए कोलेजन की पूर्ति करती है। जी हाँ गाइस, 30 की एज के बाद हमारी बॉडी का जो नेचुरल कोलेजन होता है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आप क्या करें कि अलसी को अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए। ये आपकी स्किन को भरपूर कसाव देता है, साथ ही साथ हमारे नए सेल्स को बनाता है, स्किन को रिजुवेनेट करता है। और अगर आपको किसी भी तरह की जोड़ों में शिकायत रहती है दर्द की, या फिर आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा खींचती हैं, तो उसमें भी अलसी बहुत आराम पहुंचाती है। आप इस आधा चम्मच पाउडर फॉर्म में ले सकती हैं या फिर आप इसके लड्डू बनाकर रख सकती हैं। किसी भी फॉर्म में आप कम से कम आधा से एक चम्मच अलसी डेली खाना शुरू कीजिए। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ऐसे फल लेती हैं जैसे कि मौसमी फल हुए, स्पेशली जिसमें पपीता हुआ, जिसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, पेपेन पाया जाता है जो कि आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। साथ ही साथ अगर आप नट्स ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, और एक बहुत ही अच्छा इलाज मैं आपको बता रही हूँ, देसी घी। एक चम्मच देसी घी अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल कीजिए। देसी घी आपकी बॉडी को अंदर से नरिश करता है, ठीक है। और जब नरिशमेंट हमारी बॉडी को अंदर से मिलता है तो हमारी स्किन ड्राई नहीं पड़ती है, जल्दी से रिंकल्स नहीं आती है, झुर्रियाँ नहीं आती हैं। और देसी घी आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, हड्डियों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो देसी घी रामबाण इलाज है और ये आपके चेहरे पे जल्दी से झुर्रियाँ नहीं आने देता है।
तो ये थी एंटी एजिंग वो फ्री की दवाएं गाइस जो कि हम सबके किचन में मौजूद है, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है। यकीनन जब आप इसको अपनी डाइट में शामिल करोगी तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके रिजल्ट धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक हमारे ऊपर असर अपना बरकरार रखते हैं। इसके लिए आपको एक जरूरत की तरह इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी नीड है। अगर ये सोचकर आप ये सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन के ऊपर इसके रिजल्ट नजर आते हैं और लॉन्ग टाइम तक आप अपनी स्किन से साइंस ऑफ एजिंग को डिले कर सकती हो। साथ ही साथ एक फॉरएवर यंगर लुकिंग स्किन के लिए हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सोच रखना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप खुश रहती हो तो इन सारी चीजों का असर ना और भी तेजी से आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहना है, सब चीजें अच्छे से करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, अच्छी सोच रखनी है और आपको ना टॉपिकल एप्लीकेशन भी करनी है। मैं आपके लिए अपना एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ, जिसको आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए रामबाण साबित तभी होंगी जब आप खुश रहकर इन सारी चीजों को फॉलो करेंगी। और अगर आपकी एज 20+ हो चुकी है तो इस डाइट को आप फॉलो कर सकती हो। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी हैं और हमेशा यंग दिखने के लिए और चेहरे पे हमेशा नेचुरल ग्लो के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आई होप कि मेरी फैमिली को आज का ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कॉमेंट करके बताइए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो विद बेल आइकन सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो रेड कलर का बटन ज्यादा दूर नहीं है, नीचे दिया हुआ है, जल्दी से प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आऊं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को घर बैठे देख सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, टेक केयर, बाय बाय।